आप सुन रहे हैं मुझे बुंदेलखंड न्यूज 24 में। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। झांसी की शैली सिंह जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और झांसी का नाम रोशन कर आज यहाँ आई तो झांसी वासियों ने उनके और उनके गुरु पद्मश्री एवं लंबी कूद की पूर्व विश्व चैंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज का जबरदस्त सम्मान किया। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से यहाँ दीनदयाल सभागार में आयोजित समारोह में प्रशासन, राजनीति, खेलों और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्यों द्वारा दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शैली को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई और साथ ही घोषणा की गई जब तक वे खेलेंगी उन्हें हर साल ये राशि मुहैया कराई जाएगी। बुंदेलखंड क्रांति दल की प्रदेश कमेटी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में श्री रघुराज सिंह इंटर कॉलेज झांसी पर संपन्न हुई। बैठक में बुंदेलखंड राज्य आंदोलन पर संगठन के विस्तार पर, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर एवं 1 नवंबर को काला दिवस मनाए जाने का विचार किया गया। बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई 19 नवंबर को जब वो झांसी आए तो अपने साथ महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार जो कि ग्वालियर में बंधक है उसे लेकर आए, तभी रानी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नगर निगम के वार्ड नंबर 56 में बिजली विभाग द क्षेत्रीय पार्षद की लापरवाही एक कुत्ते की जिंदगी को भारी पड़ गई। इस वार्ड में लगे एक विद्युत पोल में लगातार करंट प्रवाहित हो रहा है। वार्ड के मोहल्ला टोरिया नरसिंह राव ने लगा ये विद्युत पोल काफी पुराना हो चुका है और नीचे से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। इससे पहले भी करंट की चपेट में आने से कई जानवर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। क्षेत्र के लोगों के अनुसार इस संबंध में बिजली विभाग तथा नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद अनिल सोनी को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी विद्युत पोल को हटाए जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसका दुष्परिणाम आज एक कुत्ते की मौत के रूप में सामने आया। क्षेत्रवासियों ने अब विधायक को विद्युत पोल को हटाए जाने के संबंध में ज्ञापन। कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बेमौसम बारिश ने शहर वासियों के लिए खासी परेशानियां पैदा कर दी। नगर निगम की लापरवाही के चलते हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। रात में लगातार हो रही बारिश के कारण पुरानी झांसी के अधिकांश इलाके ताल तलैया में बदल गए। लोगों के घरों में नाले नालियों का गंदा पानी घुस गया। नालों की सफाई को लेकर हमेशा कटघरे में खड़े रहने वाला नगर निगम एक बार फिर कटघरे में आकर खड़ा हो गया। बारिश ने एक बार फिर नालों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। गंदा पानी घरों में घुस जाने के कारण शहर वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 12वीं शरीफ के जश्न को लेकर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगर व क्षेत्र के मुस्लिम समाज, राजनीतिक दल व नगर के गणमान्य लोगों के साथ नगर पालिका, विद्युत विभाग, जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ।